गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जो अपना हेल्थ असेसमेंट का जो टॉपिक चल रहा था उसमें जो अपन ने हिस्ट्री कलेक्शन, दो प्रकार के हेल्थ असेसमेंट अपन दो प्रकार से करते हैं, एक तो हिस्ट्री कलेक्शन, दूसरा फिजिकल असेसमेंट या फिजिकल एग्जामिनेशन। तो आज अपन जो हिस्ट्री कलेक्शन वाला, तो कल अपन ने पढ़ा था कि कितने टाइप की हिस्ट्री अपन कलेक्शन पेशेंट की करते हैं। आज अपन फिजिकल एग्जामिनेशन या फिजिकल असेसमेंट, जो पेशेंट की बॉडी को अपन चेकआउट करते हैं, पेशेंट खुद अपने पास होना चाहिए, जिसमें उसके अपन सिस्टमेटिक तरीके से ऑब्जेक्टिव डाटा, यानी फिजिकल एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव डाटा यानी वो डाटा जो अपने को दिखाई देते हैं, अपन महसूस कर सकते हैं, अपन किसी भी तरीके से उसको अपन फाइंड आउट करके उसकी बीमारी तक पहुँचते हैं, वो डाटा ऑब्जेक्टिव डाटा कहलाते हैं। जो अपन ऑब्जर्वेशन करके, ऑब्जर्वेशन के अपने पांच सेंसरी ऑर्गेनस के द्वारा, आई के द्वारा, अपने आँख से, अपने हाथ से टच करके, है ना, फीलिंग के द्वारा, स्मेलिंग के द्वारा, अपन उसके जो डाटा अपन कलेक्शन करते हैं, वो सारे के सारे डाटा अपन पेशेंट अपने पास होगा। सबसे पहले अपन पेशेंट का अपन एक्सटर्नल और इंटरनल हेड से लेकर टो तक फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जिससे कई प्रकार की एबनॉर्मलिटी अपने, जैसे स्किन का कलर है, अब पेशेंट की जो लुकिंग है, पेशेंट की जो बॉडी साइज है, ये सब चीज़ें अपन उसकी चेकआउट करेंगे। उसके बाद में अपन उसके बीपी टीपीआर लेंगे, वाइटल साइन लेंगे, जिसमें बीपी कितनी है, टेम्परेचर कितना है, पल्स रेट कितनी है, रेस्पिरेशन कितना है, तो वो भी अपने पैरामीटर हैं जो अपनी बॉडी के जो चेंज होते हैं, उससे किसी न किसी प्रकार की दिक्कत होने के कारण वो चेंज होते हैं। कौन सी दिक्कत में, कौन सी चीज़ें, जैसे हाइपरटेंशन का पेशेंट है तो बीपी चेंज होती है, बीपी बढ़ जाती है, बुखार का पेशेंट है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, अगर बीपी लो का पेशेंट है तो उसमें उसकी पल्स रेट प्लस बीपी लो हो जाती है, अस्थमेटिक पेशेंट है तो उसका रेस्पिरेशन है वो उसका बढ़ जाता है, उसको रेस्पिरेटरी दिक्कत होती है, तो ये वाइटल साइन अपन उसके चेक करेंगे। उसके बाद में उसका जो है वो, जैसे बॉडी का कलर है, ये सब सिस्टमेटिक तरीके से अपन कलेक्शन करेंगे। तो फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर अपन पेशेंट के जो ऑब्जेक्टिव डाटा, जो अपन आराम से उसको महसूस कर सकते हैं, आँख से देख सकते हैं, हाथ से टच कर सकते हैं, स्मेल के द्वारा अपन उसके डाटा लेते हैं, वो फिजिकल एग्जामिनेशन या हेल्थ असेसमेंट कहलाता है। तो उसमें जो हेल्थ असेसमेंट या फिजिकल असेसमेंट के अंदर देखो क्या दिया है कि इट इज़ द सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्टिव डाटा, ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव डाटा। बाकी तो जैसे अपन ये भी है भाई, पेशेंट का मन अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सब्जेक्टिव डाटा होते हैं, जो पेशेंट ही बताता है, अपन उसको नहीं ले सकते। जैसे सर मेरा मन अच्छा नहीं है, सर मेरे मन में कुछ विचार आ रहे हैं, इस प्रकार के, सर मेरा जी घबरा रहा है, सर मुझे चक्कर आ रहे हैं, ऐसे डाटा जिसको अपन किसी मशीन से या अपन देख के उसको अनुभव नहीं कर सकते, वो सब्जेक्टिव डाटा होते हैं। और जो ऑब्जेक्टिव डाटा जिसको अपन बिना पेशेंट के बताए अपन उसको किसी न किसी प्रकार से मेजरमेंट कर सकते हैं या अपन अपने आँख से देख कर उसका पता लगा सकते हैं। जैसे पेशेंट दुबला पतला है तो आपको आप दिखाई दे रहा है कि यार कमज़ोर है, आप बोल दे सकते हो आप कमज़ोर क्यों हो रहे हो, आपको लगा, आपने खून की जांच करवा ली, एस बी लेवल कम आ रहा है उसका, इसका मतलब आपकी बॉडी में खून की कमी है, आपको लगा कि इसकी बीपी लो हो सकती है, आपने उसकी बीपी चेक की, बीपी कम आ रही है, ये सब डाटा जिसको अपन आराम से अपन मेजरमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो सब ऑब्जेक्टिव डाटा लेने के लिए अपने को फिजिकल असेसमेंट या हेल्थ एग्जाम, जो हेल्थ एग्जाम असेसमेंट करना जरूरी होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन या फिजिकल असेसमेंट करना जरूरी होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव डाटा लेते हैं और वो ऑब्जेक्टिव डाटा पेशेंट की प्रॉब्लम को या उसकी दिक्कत को पहचानने में अपनी हेल्प करते हैं। तो पर्पज ऑफ द फिजिकल असेसमेंट, फिजिकल असेसमेंट अपन क्यों करते हैं, देखो फिजिकल असेसमेंट मोटे तौर पे तो अपन पेशेंट की प्रॉब्लम को पहचानने के लिए करते हैं, लेकिन इसके और भी बहुत सारे पर्पज हैं, और भी बहुत सारे कारण हैं जिससे अपने को फिजिकल असेसमेंट करने से सहूलियत मिलती है, अपने को उससे कोई किसी न किसी प्रकार की हेल्प मिलती है। जैसे पहला है टू अंडरस्टैंड द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ द क्लाइंट। सबसे पहले तो पेशेंट की फिजिकली और मेंटल कंडीशन कैसी है। देखो दो प्रकार की दिक्कत होते हैं, एक तो मानसिक और एक शारीरिक। फिजिकल प्रॉब्लम होती है वो अपने बॉडी से रिलेटेड जो शारीरिक रूप से प्रॉब्लम होती है, और मानसिक है वो साइकेट्रिक प्रॉब्लम होती है, साइकोलॉजी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम होती है। दोनों प्रॉब्लम को पहचानने के लिए पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करना जरूरी है। जैसे अपने वाइटल साइन चेक किए, पेशेंट की बॉडी को चेक किया, पेशेंट का टेम्परेचर चेक किया, ये सब कुछ अपन उसका फिजिकल असेसमेंट करते हैं। मानसिक स्थिति, उसे बातचीत की, बातचीत सही नहीं कर रहा है पेशेंट है एकदम से पागलों जैसे बात कर रहा है, पेशेंट की मेंटल स्टेटस सही नहीं है, पेशेंट मानसिक रूप से बहुत तरीके से ऐसे विचलित हो रखा है, तो वो उसके मेंटल स्टेटस को शो करता है।
तो ये सारी बातें जानने के लिए, यानी फिजिकली और मेंटली रूप से पेशेंट फिट है या नहीं है, इस चीज़ का पता लगाने के लिए अपन है उसका फिजिकल असेसमेंट या हेल्थ एग्जामिनेशन उसका करते हैं। दूसरा कारण क्या है, टू डिटेक्ट ए डिजीज इन इट अर्ली स्टेज। किसी भी पेशेंट की डिजीज है उसको जल्दी से जल्दी पहचानने के लिए, यानी उसकी बीमारी को पहचानने के लिए अपन है वो फिजिकल असेसमेंट करते हैं, पेशेंट की जल्दी से जल्दी बीमारी आपको पता चल जाए। पेशेंट बीमार होते हैं, अपने पास आ गया, आपने उसका बहुत बढ़िया तरीके से फिजिकल असेसमेंट किया, तो उस कारण से वो अपने को जल्दी उसकी बीमारी पकड़ में आ गई और आपने उसका इलाज कर दिया, पेशेंट की बीमारी को आगे बढ़ने से आपने रोक दिया। यानी पेशेंट की बीमारी को पकड़ने के लिए, जल्दी से जल्दी उसकी बीमारी का पता लगाने के लिए क्या करते हैं, अपन उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। कहीं ना कहीं फिजिकल एग्जामिनेशन में उसकी बीमारी का आपको पता चल जाएगा और जितना जल्दी पेशेंट आपके पास आएगा, जितना अच्छे ढंग से आप फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, उतनी जल्दी बीमारी आपको उसकी हाथ आएगी। कई बार पेशेंट तो बीमार होते ही आ गया लेकिन आपने उसका फिजिकल एग्जामिनेशन सही नहीं किया, तो उसमें भी अपने को दिक्कत होती है, अपना उसका डायग्नोसिस सही नहीं होता, अपने उसकी बीमारी के तह तक नहीं जा पाते, अपना गलत इलाज चलता है पेशेंट का। तो इस प्रकार से पेशेंट का है वो सही इलाज करवाने के लिए जल्दी स्टेज, अर्ली स्टेज में बीमारी को पहचानने के लिए भी अपन उसका फिजिकल असेसमेंट करते हैं। तीसरा है टू डिटरमाइन द कोज ऑफ डिजीज, पेशेंट के बीमारी होने के कारण क्या क्या हैं। अब आप कहोगे सर फिजिकल एग्जामिनेशन से बीमार होने के कारण कैसे पता चलेगा। देखो पेशेंट है वो, जैसे स्किन की प्रॉब्लम हो रही है पेशेंट को, आप पेशेंट आपके पास आया, आके बोला कि सर मैं बीमार हो गया, दिक्कत हो गई, आपने पूछा क्या दिक्कत हो गई, पेशेंट ने कहा कि सर मेरे देखो स्किन के ऊपर खुजली हो रखी है, आपको सीधा सीधा पेशेंट की स्किन को देखा, देखने से पता चला कि वास्तव में इसको तो एलर्जिक प्रॉब्लम है या इसको किस प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है, कोई किस प्रकार की दिक्कत है या कोई रिएक्शन है या कोई एलर्जिक प्रॉब्लम है, आपने तुरंत उसको पहचान लिया, यानी पेशेंट की बीमारी को अपन ने उसके क्या कारण, फिर आपने उससे बातचीत की पेशेंट से, उसका स्टिकलेक्शन किया उसके कि पता चला कि बीमारी किस कारण से होती है, आपको क्यों हुई है, आपने उसको बताया कि सर मैं सीमेंट फैक्ट्री में काम करता हूँ, आपको सीधा सीधा पता चल गया कि भाई इसको सीमेंट की एलर्जी है। तो इस प्रकार से किसी भी बीमारी के कारण जो है, होने के कारण जो है, वो अपन जब अच्छी तरीके से फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसका हेल्थ असेसमेंट करते हैं, तो उससे अपने को पता चल जाता है। इसलिए फिजिकल असेसमेंट करने से अपने को उसकी बीमारी के कारणों का भी अपने को पता चलता है कि ये बीमार क्यों हुआ है और कौन सी बीमारी इसको हुई है, क्या क्या दिक्कतें उसको हो सकती हैं। उसके बाद में है टू अंडरस्टैंड एनी चेंजेज इन द कंडीशन ऑफ डिजीज इन इम्प्रूवमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर अपन किसी पेशेंट का लगातार फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो उसकी जो आज दिक्कत है उतनी दिक्कत उसको कल नहीं रहेगी, फिर उसको अगले दिन फिर दिक्कत कम हो जाएगी। आपको ये पता लगेगा लगातार फिजिकल असेसमेंट करने से कि पेशेंट की बीमारी में सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है। किसी भी पेशेंट का आप एडमिट क्यों करते हैं पेशेंट को, अपन भर्ती क्यों करते हैं पेशेंट को, घर की दवाई कई वजह से सीरियस पेशेंट होते हैं उसको अपन भर्ती क्यों करते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से इलाज देने के लिए। फिर पेशेंट अपने पास रहेगा तो अपन उसको कंटिन्यू चेकआउट करते रहेंगे, उसके वाइटल साइन अपन चेक करते रहेंगे, पेशेंट को एकदम लगातार अपन निगरानी में रखेंगे, तो उसमें जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लगातार उसके हेल्थ में जो सुधार हो रहा है, उसके जो है उसका फीडबैक आपके पास आता रहेगा। पेशेंट के जो पैरामीटर हैं वो उसके जैसे एकदम से नॉर्मल कंडीशन में आ रहे हैं, जैसे बीपी ज़्यादा थी, बीपी नॉर्मल हो गई, बुखार आया था उसमें बहुत तेज थी लेकिन अब बुखार भी कम होने लग गई, ये क्या है, उसके पॉजिटिव चेंजेस हैं, या फिर नेगेटिव चेंजेस का भी पता चलता रहेगा तो अपन उसके ट्रीटमेंट चेंज करते रहेंगे। क्योंकि अपने को जब नेगेटिव चेंजेस यानी उसकी कंडीशन और गिरावट आ रही है तो अपन किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से या अपन किसी दूसरे से सलाह लेके और उसको चेंज करके उसको पॉजिटिव कंडीशन में लाने की कोशिश करते हैं। अगर अपने बस की बात नहीं है तो अपन उसको हायर सेंटर में रेफर कर देते हैं। लेकिन कहने का मतलब कि पेशेंट में इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, इस चीज़ का पता अपने को लगातार फिजिकल एग्जामिनेशन या हेल्थ असेसमेंट करने से ही पता चलता है। इसलिए जो सीरियस पेशेंट होते हैं अपने को एडमिट करने का मेन कारण यही होता है कि पेशेंट हमारे पास हमारी निगरानी में रहेगा, हम जितना ज़्यादा सीरियस है उसको हिसाब से उसको उतना जल्दी जल्दी चेक करेंगे, क्योंकि ज़्यादा सीरियस होता है उसमें उसकी हेल्थ की कंडीशन में जल्दी गिरावट आती है तो वो जल्दी जल्दी अपने को उसको मॉनिटर करना पड़ता है। अगर अपन उसको जल्दी जल्दी मॉनिटर करेंगे तो उसमें जो भी परिवर्तन आ रहे हैं उसको अपने को पता चलेगा, उसी परिवर्तन के अकॉर्डिंग अपन उसके ऊपर मेडिकल एक्शन
मेडिसिन लेंगे और डॉक्टर्स हैं वो अपनी मेडिसिन है वो उसको देते रहेंगे और पेशेंट में सुधार हो जाएगा। इसलिए पेशेंट की बीमारी में सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है इस चीज़ का पता लगातार अपना हेल्थ असेसमेंट करने से, सिस्टमेटिक तरीके से उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करने से अपने को पता चलता रहेगा। अपन अगर पॉजिटिव है तो कंटिन्यू उसको वैसे रखेंगे, अगर वो उसमें कुछ सुधार कम हो रहा है या नेगेटिव गिरावट आ रही है तो अपन उसका रीप्लान करके और उसकी जो ट्रीटमेंट चेंज करके उसकी नर्सिंग केयर चेंज करके उसमें सुधार लाने की अपन कोशिश करते हैं और पेशेंट वापस पॉजिटिव कंडीशन में आ जाता है। तो पेशेंट की कंडीशन में सुधार हो रहा है नहीं, उसकी डिजीज में परिवर्तन हो रहा है या नहीं, उसकी डिजीज़ है वो ठीक हो रही है या नहीं हो रही है, इस चीज़ का पता लगातार हेल्थ असेसमेंट करने से अपने को पता चलता रहेगा, फिजिकल एग्जामिनेशन करने से अपने को पता चलता रहेगा। उसके बाद में है टू डिटरमाइन द नर्सिंग केयर नीडेड फॉर द क्लाइंट, टू डिटरमाइन द नर्सिंग केयर नीडेड फॉर द क्लाइंट, पेशेंट को किस प्रकार की नर्सिंग केयर की जरूरत है। देखो अपने मैं पहले भी आपको बताया था मैंने आपको कि दो डायग्नोसिस होते हैं, एक तो मेडिकल डायग्नोसिस होता है, एक नर्सिंग केयर प्लान होता है, नर्सिंग डायग्नोसिस होता है। देखो मेडिकल डायग्नोसिस डॉक्टर के द्वारा किया जाता है और उसमें उसकी बीमारी की तय तक जाने के लिए वो उसका प्रयास होता है। नर्सिंग जो डायग्नोसिस या नर्सिंग जो केयर होती है वो पेशेंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। तो अपन जो फिजिकल असेसमेंट करते हैं तो पेशेंट की प्रॉब्लम्स अपने सामने आती हैं, क्या क्या पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है, क्या क्या नर्सिंग केयर की जरूरत है पेशेंट को, उसको अपन प्रायोरिटी वाइज सेट करते हैं कि जो मेन प्रॉब्लम है उसको अपन पहले रखते हैं और उसके बाद में अपन नॉर्मलाइजेशन की प्रॉब्लम यानी साधारण प्रॉब्लम उसको अपन लास्ट में सॉल्व करते हैं। तो अपने जो नर्सिंग केयर प्लान जो प्रायोरिटी वाइज अपन बनाते हैं वो पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करके ही बनाते हैं अपन। जब पेशेंट से अपन फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं करेंगे, पेशेंट से बातचीत नहीं करेंगे, पेशेंट की हिस्ट्री टेकिंग नहीं करेंगे, तब तक अपने पास पेशेंट की प्रॉब्लम सही ढंग से नहीं आएगी। प्रॉब्लम सही ढंग से नहीं आएगी तो अपना नर्सिंग केयर प्लान सही ढंग से नहीं बनेगा। तो इसमें यह कराया कि पेशेंट की जो नीड है, नीड का मतलब जो पेशेंट की प्रॉब्लम, जो पेशेंट बीमारी के कारण खुद काम नहीं कर सकता, वो सारे काम अपने को नर्स के द्वारा करवाए जाते हैं तो वो अच्छे ढंग से फिजिकल एग्जामिनेशन करने से अपने सामने आएंगे। यानी पेशेंट की जो नीड है, जो ज़रूरतें हैं जिसके कारण बीमारी के कारण पेशेंट उसको नहीं कर सकता, जैसे अनकॉन्शियस पेशेंट है वो खाना तक नहीं खा सकता, मोशन पास नहीं कर सकता, अपनी डेली एक्टिविटी पूरी नहीं कर सकता, तो उनकी हर संभव अपन किसी न किसी तरीके से अपनी प्रैक्टिस से अपने नॉलेज से अपन उसको फुलफिल करते हैं जिससे कि पेशेंट की बॉडी में गिरावट नहीं आए, उसकी बीमारी आगे नहीं बढ़े, उसकी बीमारी में सुधार आए। तो अच्छे ढंग से उसकी नीड को पहचानने के लिए, पेशेंट को बढ़िया नर्सिंग केयर देने के लिए उसकी क्या क्या ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए अपने फिजिकल एग्जामिनेशन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में है टू कंट्रीब्यूट टू द मेडिकल रिसर्च, टू कंट्रीब्यूट टू द मेडिकल रिसर्च, नई नई जो रिसर्च हो रही है, नई नई बीमारियों की जो खोज हो रही है, नई नई बीमारियों के जो पता चलाया जा रहा है वो लगातार फिजिकल असेसमेंट से चलेगा। देखो बीमारियां इंसान के अंदर होती हैं, इंसान की बीमारियों को अपन पहचानते हैं, उसके ऊपर अपन रिसर्च करते हैं, उसका इलाज ढूंढते हैं, उसका ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं, उसकी नर्सिंग केयर प्लान पर तैयार करते हैं, वो अपने रिसर्च कंटिन्यू पेशेंटों के संपर्क में रहने से होता है। देखो अब जैसे कोरोना चल रहा है, कोरोना के पेशेंट होते हैं उसके ऊपर, कोरोना पेशेंट के ऊपर अपन क्या क्या उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या पेशेंट को दिक्कत हो रही है, क्या क्या उसके लिए अपने को नर्सिंग केयर प्लान बनाने पड़ते हैं, वो सारे किससे होते हैं, पेशेंट के पास जाकर उसका फिजिकल असेसमेंट उसको चेक करने से पता चलता है कि कैसे कैसे तो इससे अपन उसको दूर रह सकते हैं, कैसे कैसे अपन उससे प्रिवेंट हो सकते हैं, या क्या कैसे कैसे ये फैल सकता है, ये सब पेशेंट के ऊपर जाकर अपन काम करते हैं तभी अपने को पता चलता है। फिर उसका क्या इलाज हो सकता है, जो रिसर्च सेंटर होते हैं वहाँ पे जो है वो लोग इसके जो वायरस का पता लगाना, पेशेंटों की कंडीशन का पता लगाना, पेशेंटों की क्या क्या दिक्कतें होती हैं, फिर उसको अपन कैसे सोल्व कर सकते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इसमें सबसे ज़्यादा होती है तो उसके लिए अपन उस पेशेंट के लिए क्या क्या करते हैं, वो सारी बातें अपन उस पेशेंट का, कोरोना पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करने से, उसकी हिस्ट्री कलेक्शन करने से अपने को पता चलता है। नहीं तो अपने को पता ही नहीं चलेगा कि ये बीमारी कौन सी है, इसको अपन कैसे ठीक कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रिसर्च के अंदर भी फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंसी रखता है। जितने पेशेंट अलग अलग बीमारी के जो पेशेंट होते हैं उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करने से उसकी रियल कंडीशन का है, उसमें जो डिफरेंस है अलग अलग उसका पता चलेगा और हर बीमारी को अपन अलग अलग तरीके से पहचान पाएंगे। हर बीमारी के जो लैब इन्वेस्टिगेशन करके उसके अलग अलग प्रकार के जो बैक्टीरिया वायरस जो भी हैं उसके, वो उसका अपन को पता चलता रहेगा और उससे अपन पेशेंट को फिर सिस्टमेटिक तरीके से नर्सिंग केयर प्लस उसका इलाज अपन कर पाएंगे। तो रिसर्च के अंदर भी नई खोज करते हैं, नए अपन जो केयर प्लान बनाते हैं उसमें भी फिजिकल एग्जामिनेशन यानी हेल्थ असेसमेंट करना बहुत जरूरी है। लास्ट है
टू फाइंड आउट द पर्सन इज मेडिकली फिट, टू फाइंड आउट द पर्सन इज मेडिकली फिट, यानी अपने को पेशेंट का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाना है। यानी जैसे अपन कोई मिलिट्री में भर्ती होते हैं या अपन कोई और अपना जो फिजिकल चेकअप होता है, अपन सर्विस लगते हैं, उससे पहले आपकी मेंटली और फिजिकली रूप से पेशेंट फिट है या नहीं है, तो इस चीज़ का पता हेल्थ असेसमेंट करने से चल जाता है। भाई अपन जैसे कोई व्यक्ति है उसको फिजिकली रूप से फिट है या नहीं, जैसे मिलिट्री में जाता है कोई भी गवर्नमेंट सर्विस लगता है तो उससे पहले उसका मेडिकल होता है। उसमें मेडिकल होने का मतलब ये है कि ये व्यक्ति अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग मेडिकल होता है। जैसे ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, सी ग्रुप है, डी ग्रुप, अलग अलग जैसे पोस्ट होती है वैसे उसका अलग अलग, यानी वहाँ जाकर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे मिलिट्री का मेडिकल होता है वो सबसे टफ होता है क्योंकि वहाँ एकदम वेल डन बंदा चाहिए, एवरीथिंग हर तरीके से वो व्यक्ति है वो एकदम से समझ चाहिए। बाकी जैसे कई विकलांग, जैसे टीचर विकलांग भी लग सकता है, जबकि फौज में विकलांग नहीं लग सकता क्योंकि फौज में विकलांग से काम ही नहीं होता। टीचर तो है भाई, ठीक है, विकलांग पढ़ा सकता है, पढ़ाने का काम है, बाकी इसमें फिजिकली वर्किंग नहीं है। उसमें तो फिजिकली और मेंटली दोनों वर्किंग होती है, तो उसमें व्यक्ति को अच्छी तरीके से चेक करते हैं अपन कि ये पूरा शारीरिक रूप से लंबाई चौड़ाई वजन सब कुछ फिट है या नहीं है, कोई किसी प्रकार की उसको मानसिक दिक्कत तो नहीं है, कोई पेशेंट को कोई किसी प्रकार की डिजीज तो नहीं है। ये सब फिजिकली फिटनेस जो चेक करने के लिए उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करना बहुत ज़रूरी है। इसमें उसका मेन रोल है, पहले वजन लेते हैं, हाइट लेते हैं, चेस्ट सर्कमफेरेंस नापते हैं, उसका इंटरव्यू, फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाते हैं। ये सब क्या है, पेशेंट की फिजिकली चेक फिटनेस को चेक करने के लिए बनाया जाता है। तो ये जो फिजिकल एग्जामिनेशन जब करते हैं तो उसकी कहीं एबनॉर्मलिटी, उसकी बॉडी को एक्सटर्नल चेक करते हैं, कोई हाथ पर बड़ा टूटा हुआ तो नहीं है, एक्सरे लेते हैं उसका, उसकी ब्लड की जांच करवाते हैं, कोई कम्युनिकेबल डिजीज तो नहीं है, आँखों की जांच करवाते हैं, सुनने की जांच करते हैं, यानी हर एवरीथिंग अपनी सारी चीज़ें ब्लड इन्वेस्टिगेशन, सारे ब्लड के इन्वेस्टिगेशन, सारे अपने जो रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन से सारे फिजिकल हेड से लेकर टो तक बाहर से देखते हैं पूरी बॉडी को, कहीं अबनॉर्मलिटी तो नहीं है, हाइट वेट सब कुछ नॉर्मल है या नहीं है, ये सब चीज़ें फिजिकल एग्जामिनेशन करने से पता चलता है। और अगर उसमें उसके पैरामीटर होते हैं कि इतनी हाइट वाला चाहिए, इतना वजन वाला चाहिए, अगर ओवर वेट है तो उसको निकाल देते हैं, कम वेट है तो उसको निकाल देते हैं, ज़्यादा हाइट है तो उसको, कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं तो सब में हाइट एक मिनिमम होना चाहिए, यानी मिनिमम हाइट है वो उसकी है कि भाई इतना फुट, जो जैसे 170 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए, तो उससे कम है तो उसको निकाल देते हैं, वेट इतना होना चाहिए, ये सब चीज़ें उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करने से अपने को पता चल जाती है। कहने का मतलब कि पेशेंट फिजिकली रूप से फिट है या नहीं है, फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी उसका फिजिकल असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से अपन है वो उसके पर्पज़ हैं ये, यानी अपन हेल्थ असेसमेंट यानी फिजिकल असेसमेंट क्यों करते हैं। तो इसमें पहला पर्पज़ था टू अंडरस्टैंड द फिजिकली एंड मेंटली वेलबींग ऑफ द क्लाइंट, दूसरा था टू डिटेक्ट द डिजीज इन द अर्ली स्टेज, जल्दी बीमारी को पहचानने के लिए, तीसरा था टू डिटरमाइन द कोज ऑफ द डिजीज, बीमारी होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं उसके लिए अपन फिजिकल असेसमेंट करते हैं, उसके बाद में टू अंडरस्टैंड द एनी चेंजेस इन द कंडीशन ऑफ द डिजीज, एनी इंप्रूवमेंट, पेशेंट में इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ, क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या उसमें गिरावट आ रही है, उसमें सुधार होता जा रहा है, उसको लगातार फिजिकल असेसमेंट करने से पता चलता रहता है। उसके बाद में टू डिटरमाइन द नर्सिंग केयर नीडेड टू द क्लाइंट, पेशेंट को क्या क्या नर्सिंग केयर की जरूरत है वो अच्छी तरीके से फिजिकल असेसमेंट, जितना ज़्यादा फिजिकल असेसमेंट करेंगे उतनी उसकी नीड अपने सामने आएगी, उसको अपन फुलफिल करेंगे तो पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएगा। उसके बाद में टू कंट्रीब्यूट टू द मेडिकल रिसर्च, मेडिकल रिसर्च के अंदर अपनी हेल्प करता है, यानी नई नई जो बीमारियों की जो खोज होती है उसका ट्रीटमेंट फाउंड आउट किया जाता है, नए नए नर्सिंग केयर प्लान बनते हैं, वो पेशेंटों का अच्छी तरीके से असेसमेंट करने से तैयार होते हैं। और उसके बाद में टू फाइंड आउट द पर्सन इज मेडिकली फिट, व्यक्ति का जो मेडिकल फिटनेस है वो सही है या नहीं है, उसको भी अपन अच्छी तरीके से फिजिकल एग्जामिनेशन या हेल्थ असेसमेंट करके अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन टेक्निक्स ऑफ द फिजिकल एग्जामिनेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।